लीबिया में प्रगति एवं विकास। देश में नई सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण किया गया, घुमंतू जातियों को सिंचित कृषि ज़मीन दी गई और उन्हें एक जगह बसाया, सस्ते मूल्य पर मकान भी दिए गए, सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास योजनाएं शुरू की गई, महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया और उनके अधिकार के लिए कानून भी बनाए। कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार दिए गए। महिलाओं को व्यापार करने, संपत्ति रखने, सरकारी नौकरी करने के हक भी दिए गए। लीबिया के लोगों की औसत आयु 50 वर्ष से बढ़कर 77 वर्ष हो गई। सन 2010 में लीबिया में स्त्री पुरुष साक्षरता दर 90% रही। इसी कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। गद्दाफी के सैन्य शासन की निरंकुशता एवं मानव अधिकारों का उल्लंघन। गद्दाफी और आरसीसी का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था। परिषदों के सदस्यों को आरसीसी के आदेश मानने पड़ते थे। परिषदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाती थीं। इसलिए लोगों ने इन परिषदों में कोई विशेष रुचि नहीं ली। यही वो समय था जब राजनैतिक चुनौती देने वाले नेताओं का दमन किया गया। सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं करती थी तथा विरोधियों को बंदी बनाने व मौत के घाट उतारने और अत्याचार के लिए क्रूर तरीके अपनाती थी। नागरिकों को कोई संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी और निष्पक्ष प्रेस को भी उभरने नहीं दिया गया।